बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इम्तिहानात आप लोगों के हो रहे हैं, गेस्ट का सिलसिला जारी है। आप लोगों के साथ मैं गेस्ट शेयर कर रहा हूँ इंतहाई अहम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जितने भी आप लोगों के। नेक्स्ट हमारे पास जो तीसरा सब्जेक्ट है, इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ गेस्ट शेयर करने लगा हूँ, जो इस्लामिक स्टडीज ऑप्शनल। इस्लामिक स्टडीज ऑप्शनल का सबसे पहले हम पेपर पैटर्न देखेंगे कि हमारे पास पेपर पैटर्न क्या आता है, पेपर में सवाल किस तरह से आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट्स को सवालों का भी नहीं पता होता। हमारे पास यहाँ पे इस्लामिक स्टडीज ऑप्शनल के क्वेश्चन पेपर सामने है पंजाब यूनिवर्सिटी का। 10 अज़ल में से 2 अज़ा का उर्दू तर्जमा और तशरीह करें, अलिफ बे और जीम। यहाँ पे हमारे पास 3 होते हैं जिनमें से आपने 2 का तर्जमा और तशरीह करना होता है। 12 नंबर का तर्जमा होता है और 8 नंबर की तशरीह होती है। 40 नंबर का टोटल आपका ये पोर्शन है सूरत अल फतह और सूरत अल हुजरात। ये 2 आपकी सूरतें हैं जिनको आपने तैयार करना है। उन्हीं में से आप लोगों के सवाल भी आते हैं जो कि हमारे पास यहाँ पर नीचे हैं। सबसे पहला पोर्शन आपका बुक जब आप लेते हैं ऑप्शनल की इस्लामियात, उसमें सबसे पहले एक पोर्शन होता है जिसमें मक्की सूरतें, मदनी सूरतें, कुरान पाक, जमा तदवीन कुरान, इनके मराहिल, सारी की सारी चीजें होती हैं। उनमें से 20 नंबर का सवाल आपके पास आता है। 2 होते हैं जिनमें से आपने एक करना है। फॉर एग्जाम्पल, कुरान की मौजाना शान पर दराइल से नोट लिखें, यह सवाल है, या जमा तदवीन कुरान के मराहिल को तफसीलन बयान करें। ये हमारे पास 2 सवाल है, इनमें से एक करना है और 20 नंबर का ये सवाल है। 40 नंबर का तर्जमा है, 20 नंबर का ये सवाल है, 60 नंबर हो गए। इसके बाद हमें टोटल 40 नंबर चाहिए। सूरत अल फतह की रोशनी और सूरत अल हुजरात की रोशनी, 2 तर्जमे आते हैं हमारे पास दोनों सूरतों में से। 3 तर्जमे होते हैं जिनमें से 2 करने होते हैं, और 2 सवाल आते हैं हमारे पास दोनों सूरतों में से। एक सूरत अल फतह से आ जाता है जिसका तर्जमा आपको लाजमी याद करना पड़ता है, सूरत का तर्जमा भी आपने लाजमी पढ़ना है ताकि आप ये सवालों का जवाब दे सकें। और एक सूरत अल हुजरात से आता है। सूरत अल फतह की रोशनी में बेहतर रिजवान पर नोट लिखें, सूरत अल हुजरात की रोशनी में माशरती इसलाह के इखलाकी असूलों पर नोट लिखें। ये हमारे पास 2 सवाल, इनमें से एक करना है, 10 नंबर का ये सवाल। इसके बाद लास्ट पे आप लोगों की इन सूरतों के बाद बुक में 4 असहाबा इकराम के नाम है, हजरत अबू बकर सदीक, हजरत अली मुर्तजा, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शख्सियत पर नोट लिखें, हजरत अली मुर्तजा की शख्सियत पर नोट लिखें। इस तरह के सवाल आप लोगों के आते हैं, ये है पेपर पैटर्न। अब हम चले जाते हैं गैस की तरफ। सूरत अल फतह और सूरत अल हिजरात की मुकम्मल तर्जमा आप लोगों ने याद करना है, क्योंकि आप लोगों के सवाल भी उसमें से आने और आप लोगों की तर्जमा और तशरीह भी उसमें से आने। तो आप लोगों ने अरबिक पढ़ के साथ साथ आपने तर्जमा मुकम्मल करना है, दोनों सूरतों को इग्नोर नहीं कर सकते। कुरान की मौजाना शान पर दलाइल से नोट लिखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुरान की मौजाना शान पर दलाइल से नोट लिखें। जमा तदवीन कुरान के मराहिल पर तफसीलन नोट लिखें, जमा तदवीन कुरान। सूरत अल फतह की रोशनी में बैत रिजवान पर नोट लिखें, इंतहाई अहम सवाल है। सूरत अल हुजरात की रोशनी में माशरती इसलाह के असूल लिखें, हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शख्सियत और किरदार पर नोट लिखें, हजरत अली अल मुर्तजा की शख्सियत और किरदार पर नोट लिखें। वही से क्या मुराद है, वही के इकसाम पर नोट लिखें। सूरत अल फतह की रोशनी में सहाबा इकराम की मुकाम और मरतबा पर नोट लिखें। मक्की और मदनी सूरतों से क्या मुराद, सूरत अल हजरात की रोशनी में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब के बारे में नोट लिखें। सूरत अल फतह की रोशनी में सहाबा किराम की फजीलत और उनकी शान पर नोट लिखें। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दौरे खिलाफत की नुमाया खसूसियात लिखें और हजरत उस्मान गनी का इस्लामी दौर, इस्लामी किरदार और दौरे खिलाफत लिखें। ये हैं आप लोगों के इंपॉर्टेंट 10-12 सवाल, और सूरत अल फतह और सूरत अल हजरात की मुकम्मल तर्जमा करना है, क्योंकि उसमें से 40 नंबर के सवाल भी आप लोगों के आने, 20 नंबर के, और 40 नंबर का तर्जमा भी आना है। 60 नंबर का पेपर आपका इन 2 सूरतों में से बनेगा, जो दोनों की दोनों सूरतें आपने लाजमी याद करनी है। इंग्लिश के नोट्स परचेज करने के लिए, जिन नोट्स में से सारे का सारा आप लोगों का पेपर आएगा, लेने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो आप लोगों को टॉप पे मिल रहा है। व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके नोट्स आप परचेज कर सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।